7. I'm Dr. Vinod Raina. I'm a sexologist and I treat HIV. I'm very thankful to Dr. Tulsi. Today he has come and all the gathering here. Dr. Gandhi, Train, Dr. Gupta, Dr. Vimal, Dr. Anand, and I thank you all. Dr. Vinod Gupta, Dr. Sudeep Kapoor, Dr. Narinder Singh, Dr. Narinder Vazirani. Basically, the top of the town is that, is there any treatment? If there is any possible exposure to the patient to HIV, 10 years before, if a patient would have gone, a client would have gone to the massage parlor, had massage, and the condom got busted. He used to do sexual, he was doing sexual intercourse, and that time the condom got busted. That time, there was no cure. We are not able to give any medicine. But in 2014, the WHO and the AIDS organizations came with a system of therapy which was called PEP, P-E-P, post-exposure prophylaxis. 2010? 2014, it was in December. In England, the first patient was diagnosed by the medical people. She was a nurse because she was putting some cannula and she got a prick. The patient was from African origin. But that time, the lady was not saved. We were not able to give any therapy because there was no therapy called PEP that time. Why did they suspect in her case? No, basically afterwards when we came to know that she was affected by the virus. But now, दोस्तों मैं ये बेसिकली जो हमारी टॉक है आज ये हम खाली डॉक्टरों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, हम अपने दोस्तों के लिए उन 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 जवान लड़कों के लिए बात कर रहे हैं, उन जवान लड़कियों के लिए बात कर रहे हैं जो बिल्कुल खेलते खेलते सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, कभी कभार मसाज पार्लर पे जाते हैं, कभी कभार वो प्रोस्टिट्यूट्स के साथ सेक्स करते हैं या वो होमोसेक्सुअल्स होते हैं, उन वो आपस में अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं और उसके बाद जब उनका कॉन्डम उस प्रोसेस के दौरान फटता है और अगर हम अगर वो पेशेंट हमारे पास विद इन 72 आवर्स आएगा, हम उस पेशेंट को एचआईवी होने से बचा सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है। विद इन 72 आवर्स अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है और विद इन 72 आवर्स उसका कॉन्डम ब्रेक होता है, हम उसको पेप थेरेपी पे डालते हैं तो 100% वो एचआईवी होने से बच जाएगा, उसको एचआईवी नहीं होगा। ये एक अवेयरनेस है, ये एक ऐसी चीज होनी चाहिए, ये जो मैं आपको बात कह रहा हूं भाई साहब, आपके हर एक फोन पे, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, हर एक फेसबुक पेज पे जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो अवेयरनेस है ये बहुत बड़ी चीज है और इसका भागीदार जो है वो माइलिन है। माइलिन ने आज ये हमारा एक यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है, स्पॉन्सर किया है और माइलिन एक प्लेटफॉर्म बन गया है जो पेप को इतनी प्रेफरेंस देता है। पहले जमाने में 10 साल 15 साल 20 साल पहले हमारे पास पेप थेरेपीज नहीं थी, लेकिन आज है। आज भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जो मसाज पार्लर्स पे जाते हैं, आप इमेजिन नहीं करोगे इतने लोग मसाज दिन में कराते हैं, वहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं अनप्रोटेक्टेड और कितने लोगों को एचआईवी होती है, ये आपको मैं बयान नहीं कर सकता, इसका कोई डाटा नहीं। हमारा देश, हमारा जो हमारी जो कंट्री है वो ऐसे टाइम बॉम्ब पे बैठी है कि आप सोच भी नहीं सकते अगले 20-25 साल में हमारे पास इतने एचआईवी केसेस होंगे अगर हम इस चीज को यहां पर नहीं रोकते हैं। और ये हमारे हमारे फिशर्स, ये हम फिशर्स का काम है, हमारे डॉक्टर का काम है, डॉक्टर तुलसी का काम है, डॉक्टर गांधी का काम है,
डॉक्टर सरीन का काम है ये लोगों के पास अवेयरनेस कराने का, क्योंकि अगर हम पेशेंट्स को अवेयर नहीं कराएंगे, हम उनको प्लेटफॉर्म नहीं देते, अगर हम ये चीज उनके पास नहीं पहुंचाएंगे तो डेफिनेटली हम इस चीज को ठीक नहीं कर सकते। पेप थेरेपी क्या होता है? व्हाट इज पेप थेरेपी? इट इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इट्स अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन यू हैव विद यू टू द पेशेंट। इफ अ पेशेंट कम्स टू यू विद इन 72 आवर्स ऑफ possible exposure. What is possible exposure? A patient going to massage parlor had massage done, and during massage he had an encounter, sexual intercourse with a girl unprotected. That can lead to the HIV. If that patient will come to us within 72 hours, the golden time is 72 hours, we put them on the drugs and that infection will stop. I am having experience of approximate 5,000 to 10,000 PEP therapies from past 4 years, and believe me that not a single patient has been infected after PEP therapy with HIV. How many cases? Takriban 5,000 to 10,000. Very good. You have already? Yes. Dekhe sir. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपके पास पेशेंट पॉसिबल एक्सपोजर के बाद, देखिए पॉसिबल एक्सपोजर क्या हो सकता है, अगर पेशेंट ने, अगर क्लाइंट जो पेशेंट ने, अगर उसने भूख सकिंग की उसमें पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन है, अगर उसने ओरल सेक्स किया उसमें पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन है, अगर वेजिनल सेक्स किया उसमें पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन है, और अगर एनल सेक्स किया उसमें पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन है। अब आप बोलोगे सर आप कहते हो कि भूप सकिंग से भी एचआईवी हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक पेशेंट है, मान के चलिए ए पेशेंट ने बी के साथ सेक्स किया और ए का जो वायरल लोड है वो 500 है, क्या बी को भूप सकिंग से एचआईवी होगी? नहीं। लेकिन अगर ए को, ए का वायरल लोड 50 मिलियन है तो वो किस करने से भी एचआईवी ट्रांसमिशन होगा। आप अगर, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि किस पेशेंट के साथ आपने सेक्स किया है। देखिए जो ये सेक्स वर्कर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हर दिन 10 से 15 क्लाइंट्स होते हैं इनके पास, और जो क्लाइंट्स होते हैं वो डिफरेंट कंट्री से होते हैं, कोई अफ्रीका से, कोई रुवांडा से, गाना से, कोई अमेरिकन है, कोई फ्रेंच है, कोई जर्मन है, कोई इंडियन है, कोई रिक्शा वाला है। क्योंकि आप ये देख लीजिए आजकल लड़की ढूंढना, एक प्रोस्टिट्यूट को ढूंढना बहुत आसान है। आपने गूगल पे टाइप किया ऑल गर्ल्स इन साकेत, आपको रेट आएगा 200 रुपए 500 रुपए, 1,000 2,000 5,000 10,000। अब लड़की ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है, और अब हमारे पास इतना डिजिटलाइजेशन हो गया कि हर एक के पास मोबाइल फोन है और हर एक आदमी लड़की को ढूंढ सकता है, तो पॉसिबल एक्सपोजर बढ़ गया। अब हमारा क्या काम है, हमारा बीइंग ए प्राइमरी फिजिशियन, देखिए आप लोग प्राइमरी फिजिशियन हो, टॉप क्लास फिजिशियन हो, आपका काम क्या है, अगर बाय चांस आपके पास कोई पेशेंट आता है, अगर उसका पॉसिबल एक्सपोजर है और वो कहता है कि सर इस लड़की के साथ हमने सेक्स किया है और मुझे उसका बैकग्राउंड पता नहीं है। बहुत बार कोई लड़का, बंदे आते सर हमारा, हम, मैं नाइट क्लब में गया, मैंने वन नाइट स्टैंड ले लिया, मेरे को लड़की मिली, मुझे उसको पता नहीं, अता नहीं, फोन नंबर उसने दिया नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सर वो चली गई। सर बहुत अच्छी गर्ल से थी वो, क्या मुझे एचआईवी हो सकता है? क्या गारंटी दोगे आप? बहुत सारे फिशर्स गलत कहां पर करते हैं, वो कहते हैं बेटा किताब कहती है पहले इंटरकोर्स में एचआईवी ट्रांसमिशन नहीं होता, गलत। और कहते हैं तुम ऐसे करो बेटा, तुम 3 महीने के बाद एक एचआईवी टेस्ट कराओ, 3 महीने के बाद देखते हैं। अरे भैया 3 महीने के बाद जब आपके पास पेशेंट आता है वो तो एचआईवी पॉजिटिव है। तो दोस्तों याद रखो, अगर आपको कहीं पे भी एक्सपोजर होता है, अगर आपको ये लगता है कि आपने कहीं पे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया किसी अननोन पर्सन के साथ, सबसे ज्यादा एचआईवी का जो ट्रांसमिशन है वो होमोसेक्सुअल्स में, इट इज 17 टाइम्स मोर देन नॉर्मल पीपल। अगर होमोसेक्सुअल्स आपस में सेक्स करते हैं, आपको इतने वेबसाइट्स मिलेंगी, आपको इतनी जगह मिलेगी जहां पर आपको पार्टनर्स मिलते हैं।